Hi guys, welcome to Lifestyle by MUNAZA. और आज मैं बहुत ही एक interesting सी चीज़ करने जा रही हूँ जो generally मैंने बहुत से पाकिस्तानी YouTubers को नहीं करते देखा, वो है Mukbang. So basically Mukbang होता क्या है कि आप खाते हैं और साथ अपने जो followers हैं, subscribers हैं या even जो लोग new आपके channel पे आते हैं, आप उनके साथ बात करते हैं. तो generally तो जितने जो YouTubers हैं, they ask their followers कि वो किन चीज़ों पर बात करना चाहते हैं. But since राइट नाउ आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, और उसके अलावा जो थोड़े से भी हैं, आई थिंक मुझे उनको अपनी कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन आई डिडंट गेट टाइम टू आस्क देम. सो आई आस्क्ड माय सिबलिंग्स यस्टरडे, लाइक लास्ट नाइट आई आस्क्ड माय सिबलिंग्स एंड माय कजन्स टू सेंड मी क्वेश्चंस जो वो चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर बात करूँ. उनमें से उन्होंने बहुत ही कुछ सिली क्वेश्चंस भी पूछे, बट विल सी. और Mukbang में ये होता है कि आप खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं. तो जो मेरा फेवरेट फूड है, the thing that I can eat all the time is pasta, any kind of pasta. उसमें spaghettis भी हैं, उसमें ये ramen noodles भी हैं जिनको हम पाकिस्तान में instant noodles कहते हैं. और मैंने white sauce के साथ ये एक pasta बनाया हुआ है, और एक जो है मैंने white sauce के अंदर different spices डाल के वो pasta बनाया हुआ है. तो generally Mukbang में बहुत ज़्यादा खाना होता है, मैंने जो YouTubers को देखा है और वो खाते हैं. बट आई हैड heavy breakfast, तो मैं बहुत ज़्यादा मे भी ये सारा खा लूँ. I am a foodie person, और मे बी ये ना खाऊँ, लेकिन इससे ज़्यादा इज़ नॉट माई कैपेसिटी. लेकिन जनरली Mukbangs में होता है कि बहुत ज़्यादा वो खाना खाते हैं. सो आई लाइक क्लिप माई हेयर, क्योंकि मुझे खाते हुए बाल खुले और ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, बिकॉज आई ऑनेस्टली इन्जॉय द इंटायर प्रोसेस ऑफ ईटिंग. तो ये मेरे पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चन हैं जो मेरे कजन्स ने और मेरी जो है बहन भाइयों ने ये पूछे हैं. तो बेसिकली दिस लाइक रामेन नूडल, इसमें ये सिंपल वो कनौर नूडल हैं आई गेस, लेकिन इनके अंदर मैंने वो डाल दिया था डार्क सोया सॉस डाल दिया था, तो उससे इसका बड़ा मज़े का कलर हो जाता है. एंड ताकि मेरी बेडशीट ना ख़राब हो, उसके लिए मैंने एक पुराना पिलो कवर था. वेल यू शुड डू दैट, बट सिंस माई मॉम इज़ नॉट होम तो मुझे कोई बातें सुनाने वाला नहीं होगा. सो आई थॉट कि मैं ये पुराना पिलो कवर ही बिछा लेती हूँ ताकि मेरी बेडशीट ना ख़राब हो. सो काफ़ी चीज़ें वैसे ठंडी हो गई हैं, बिकॉज मैं ये रिकॉर्डिंग के लिए सेटअप सा बना रही थी. आई नो इट्स नॉट अ फैंसी सेटअप. तो ये सॉस जो है ये बड़ा मज़े का लगता है, आप देखें कि ये जो हमारी इंस्टेंट नूडल्स है ये बड़ी मज़े की बन गई हैं. एंड जनरली मैं अपनी इंस्टेंट नूडल्स के अंदर इस तरह से कुछ वेजिटेबल्स भी डाल लेती हूँ, मटर और गाजरें, ताकि ये एक मील स्टाइल लगे. तो वी डिस्कस क्वेश्चंस, बट आई ऑनेस्टली नीड टू स्टार्ट ईटिंग, क्योंकि मुझे अब इसको देख के काफ़ी टेम्पटेशन हो रही है. सो लेट मी टेक लाइक अ फ्यू बाइट, और फिर हम देखते हैं कि किस क्या क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने. क्वेश्चंस का मुझे पहले से अंदाज़ा है, आई वॉन्टेड टू सी कि क्या बात करूँ, बिकॉज अभी आई थिंक आई एम नॉट दैट कम्फर्टेबल विद कैमरा कि मुझे कोई भी इंस्टेंट चीज़ दे और मैं उस पर बोल लूँ. तो विल सी के पहले कौन से क्वेश्चंस हैं और फिर उनके ऊपर बात करती हूँ. सो दिस इज़ रियली टेस्टी. मैं आपको भी कहूँगी कि आप इंस्टेंट नूडल्स लें, उसमें उसका अपना स्पाइसेस डालें, थोड़े से वेजिटेबल्स डालें और डार्क सोया सॉस डालें, और उससे इसका, लेकिन डार्क सोया सॉस बहुत थोड़ा डालना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, और मैंने कहीं पढ़ा था कि वो इतना हेल्दी भी नहीं होता. अच्छा, ये मेरे पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, और मैं देखती हूँ कि मेरे जो सिबलिंग्स और कजन्स हैं उन्होंने मुझसे क्या पूछा है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई यू ज्वाइन यूट्यूब व्हेन यू हैव लाइक अ फुल टाइम जॉब. सो जो लोग नहीं जानते, I already have like a 9-to-5 very good job. I'm an educationist. तो as such मैं earning के लिए नहीं करती. So why you joined YouTube? So basically accidentally my passion is vlogging. तो मैंने I think 2 साल पहले vlogging, नहीं 2 साल पहले नहीं. So in 2017 I started a blog, क्योंकि मुझे kind of Hollywood से obsession है. Not like ऐसे नहीं कि कोई मेरी वो कॉलोनाइज़ सी मैंटेलिटी और मैं गोरों से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन मुझे हॉलीवुड वैसे ज़्यादा बहुत इंस्पायर करता है. उनकी जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर जो वहाँ मूवमेंट्स चल रही हैं,
और इस तरह से मुझे उनकी काफ़ी चीज़ें इंस्पायर करती हैं. तो मैं हॉलीवुड को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, उनके लेट नाइट शोज़ को, उनके टीवी सीरीज़ को. तो 2017 में या 2016 में आई गेस मैंने एक ब्लॉग हॉलीवुड लाइफस्टाइल पे बनाया था उनकी सेलिब्रिटीज़ के बारे में. तो फिर ग्रेजुअली उसमें मेरा इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया और मेरी ऑडियंस जो थी उस वक्त वो ऑब्वियसली बाहर की थी एंड आई डिडंट वांट के मैं बाहर की ऑडियंस के लिए लिखूं. तो उसमें फिर मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया. और जो ब्लॉगिंग की टेक्निकल साइड है, मतलब जो उसके पीछे होस्टिंग लेना, डोमेन लेना, उसे मेंटेन कैसे करना है, प्लगइन्स जो हैं वो भी मुझे उस टाइम बिल्कुल भी नहीं पता थे. तो वो सारा कुछ मैंने फिर वो ब्लॉग बंद कर दिया, मेरे सारे पैसे भी ज़ाया हो गए. और फिर मैंने अपनी बहन के साथ बात की कि इस तरह मेरे तो सारे पैसे ज़ाया हो गए, बट माई सिबलिंग्स आर वेरी इंकरेजिंग. उन्होंने कहा कि अच्छा, आपको एक जब शौक होता है उसके ऊपर आपको कुछ चीज़ें लूज़ करनी पड़ती है. सो उससे मुझे इंकरेजमेंट हुई एंड देन आई थिंक इन 2000 फिर मैंने खैर कुछ भी नहीं किया. और लास्ट ईयर फिर मुझे हुआ कि लास्ट टू लास्ट ईयर कि अच्छा मुझे ब्लॉगिंग करनी चाहिए. फिर मैंने wordpress.com पे, जो कि एक फ्री प्लेटफॉर्म है, उस पर ब्लॉगिंग शुरू की. क्योंकि मैं चाह रही थी कि मेरे पैसे दोबारा ज़ाया ना हों कि अगर मैं फिर ब्लॉगिंग छोड़ दूँ. तो वो नहीं कि मैंने ब्लॉगिंग शुरू की जो कि लाइफस्टाइल पे थी, उस पर मैं रिव्यूज़ लिखना शुरू हुई, वो तो वो बहुत अच्छी चलना शुरू होगी, उस पर मेरी व्यूअरशिप बहुत अच्छी आना शुरू होगी. ज़्यादातर पाकिस्तानी व्यूअर्स थे जो मैं चाहती थी. तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा मुझे स्विच कर जाना चाहिए, जो प्रॉपर होस्टिंग बाय करके, डोमेन बाय करके वो वाली जो है ना उस वाले पे, उस फॉर्मेट पे जाना चाहिए और मुझे इसको काइंड ऑफ प्रॉपरली देखना चाहिए. क्योंकि जब आप .com पे ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो आप इतना ज़्यादा सर्च इंजन के अंदर नहीं आ रहे होते, आपकी ज़्यादातर जो रीडर्स हैं वो आ रहे होते हैं इससे, सोशल मीडिया से आ रहे होते हैं या इस तरह से. तो फिर मैंने सो ब्लॉगिंग बेसिकली मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है. तो मैंने वो क्वेश्चन भूल गई जो था कि व्हाई यू जॉइन यूट्यूब. तो ब्लॉगिंग मेरा पैशन है, वही मैंने किया. और उस ब्लॉगिंग के लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाई जो कि वीडियोस पे मुझे यूट्यूब पे डालनी थी, क्योंकि मैं ब्लॉग पे वो वीडियोस डालना चाह रही थी, लेकिन फिर उसमें ऑब्वियसली ब्लॉग के अंदर आप यूट्यूब का लिंक देते हैं. तो वो मैंने एक दो वीडियोज़ डाली और उन पर व्यूज़ आना शुरू हो गए, काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ आना शुरू हो गए. और वही वीडियोज़ मैंने फेसबुक पे भी डाली थी, फेस मसाज वगैरह की थी. तो जो फेसबुक पे तो आई गेस 5000 व्यूज़ आ गए, मतलब शुरू किए एक आध दिन में. तो फिर मेरी बहन ने भी मुझे कहा कि अच्छा तुम वीडियोज़ बेशक थोड़ी बना लो, बट यू शुड पुट ऑन यूट्यूब. फिर ग्रेजुअली मेरे सब्सक्राइबर्स बनना शुरू हो गए, हर रोज़ 2-3, तो बहुत कम थे, लेकिन फॉर मी इट वॉज समथिंग अच्छा आई कैन डू इट, क्योंकि लोग आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं मेरी वीडियोज़. और मैं जैसे जैसे डालती गई व्यूज़ आना शुरू हो गए, थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ना शुरू हो गए. सो आई सेड व्हाई नॉट. लेकिन अगर अब भी आप मुझसे पूछें तो ब्लॉगिंग इज समथिंग आई एंजॉय मोर. तो यूट्यूब वॉज जस्ट लाइक एक्सीडेंटल थिंग, बट आई एंजॉय इट क्योंकि दिस इज अनदर वे ऑफ लाइक ब्रिंगिंग योर आइडियाज इन टू लाइक रियल शेप. ठीक है, सो आई नो इट्स अ लॉन्ग आंसर, बट अच्छा ये क्वेश्चन है कि मेरी किसी कजन या बहन ने पूछा है व्हाई यू डोंट टॉक इन व्लॉग्स. तो कभी कभी मैं व्लॉग्स भी बनाती हूँ लेकिन उसमें मैं बोलती नहीं हूँ. और ये मुझसे किसी और ने भी कहा था कि अच्छा यू शुड लाइक टॉक इन व्लॉग्स, इट डजंट लुक लाइक रियली अपीलिंग. तो उसकी एक रीज़न है, एक तो मैं कुछ कोरियन व्लॉगर्स को फॉलो करती हूँ जो दे डोंट टॉक, और वो पूरी उनका लाइफस्टाइल वो दिखा रहे होते हैं विद म्यूजिक, विद सम राइटिंग, और मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. तो काइंड ऑफ आई फॉलो देम, उसकी एक ये रीज़न है. और मेन रीज़न ये है कि एज आई सेड आई डू अ 9-to-5 जॉब और मैं एजुकेशनिस्ट हूँ. तो मेरी जॉब की डिमांड है कि मुझे वहाँ पर काफ़ी बोलना पड़ता है, इन क्लासेस बोलना पड़ता है, मीटिंग्स में विद कोलीग्स. तो मेरे लिए बोलना जो है वो बहुत टायरिंग काम है. तो इस वजह से फिर जब मैं वापस घर आती हूँ और मुझे ब्लॉग्स को एडिट करना होता है तो आई डोंट हैव स्टेमिना कि मैं ब्लॉग्स के अंदर भी बोलूँ. सो दिस इज़ लाइक मेजर रीज़न कि मैं नहीं बोलती ब्लॉग्स के अंदर. लेकिन अगर ज़्यादातर लोग कहेंगे
कि आपको बोलना चाहिए तो फिर आई मीन आई डू दैट बट इट इज समथिंग आई डोंट एंजॉय. अच्छा आई मीन आई शुड लाइक ट्राई अ लिटिल बिट ऑफ दिस वाइट पास्ता. ये बड़ा मजे का है, मैं पहले भी बनाती रहती हूँ इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है. अच्छा फिर मुझे आई थिंक ये मेरे क्वेश्चन जो है मेरी बहन ने पूछा है कि आर यू नॉट स्केयर्ड ऑफ क्रिटिसिज्म. गाइस ये बहुत ठीक है, बिल्कुल मजे नहीं बना. सो आई पुट लाइक अ लिटिल बिट चिली सॉस. हालांकि चिली सॉस मैं जब भी डालती हूँ उससे मेरा गला बहुत खराब हो जाता है. और ये भी खत्म हुआ हुआ है ऑलमोस्ट. अच्छा हाँ तो क्वेश्चन था आर यू नॉट स्केयर्ड ऑफ क्रिटिसिज्म. नो नॉट एनी मोर. व्हेन आई वाज लाइक सुपर यंग, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, जब पढ़ रही थी, तो मुझे क्रिटिसिज्म से बहुत डर लगता था. या मुझे जब मैं बहुत यंग थी तो मुझे फेलियर से बहुत डर लगता था और सिर्फ अपने फियर की वजह से मैं बहुत सी चीज़ें स्किप कर देती थी. लाइक मुझे कहीं जाना और मुझे लगे किसी कंपटीशन में और मुझे लगे कि इसमें बहुत चांसेस है कि मैं हार जाऊंगी तो आई वुड स्किप इट. या अच्छा मुझे कोई लोग, मैंने एक हेयर कट कराया है या कोई ड्रेस पहना उस पर क्रिटिसिज्म आया तो आई वुड लिटरली वोंट गेट दैट हेयर स्टाइल अगेन. मैं वो कपड़े नहीं पहनूंगी. लेकिन एज यू ग्रो ओल्डर दिस इज व्हाई आई रियली लाइक एजिंग, कि आप अपने आप को और ज़्यादा जानना शुरू हो जाते. सो नाउ आई जस्ट डोंट केयर व्हाट पीपल से. मतलब मेरे लिए अब क्रिटिसिज्म is nothing more than this के barking dog seldom bite. I mean मेरे लिए criticism ये ऐसे ही है कि somebody is progressing or somebody is at least making an effort और आप कुछ नहीं कर रहे तो आप you want to pull them down as well. वो जैसे पंजाबी की एक कहावत है कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे. तो now criticism doesn't matter to me at all और मैं बल्कि enjoy करती हूँ, हंसती हूँ. For me this is amusing now. और मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि आप कुछ भी करना चाहते हैं अपने आप को इस चीज़ का आदी बना लें कि लोगों को हमेशा एतराज़ होगा, हमेशा आपकी चीज़ों में फ्लॉ नज़र आएगा और आप लोगों को खुश करने के लिए रुक नहीं सकते. ना रुकना चाहिए एंड यू मस्ट डू यू. आपका जो भी दिल है उसको ज़रूर करें इस नीयत के साथ कि आप हार भी सकते हैं. मतलब जीत की सिर्फ वो मिशन नहीं होता. यू कैन लूज इट इज वेल एंड इट शुड बी ओके फॉर यू. लोग हंसेंगे और आपने हंसने दें. अच्छा ये क्वेश्चन मैं अवॉइड करना चाह रही थी लेकिन सिंस इट इज हेयर तो मैं आंसर कर देती हूँ. ऐसा भी क्या मसला कि व्हाट आर योर व्यूज ऑन विमेन मार्च. तो आई मीन इसके ऊपर कोई व्यूज का तो चक्कर है ही नहीं. जो भी एक ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ भी चीज़ हो रही हो उसको आपको इनकरेज करना चाहिए. आप किसी भी जेंडर से हैं और मैं सॉरी इट इज़ टू स्पाइसी. और मैं सोशल मीडिया पे कुछ जगह पे पढ़ रही थी कि अच्छा आप मार्च करें तो किसके अगेंस्ट मार्च करें, यानी ये औरतें मार्च करें या किसके अगेंस्ट मार्च करें. सो मार्च किसी के अगेंस्ट नहीं होती. यानी अगर डेंगू के खिलाफ आप देखते हैं मार्च होती है, अवेयरनेस वॉक्स होती हैं, तो ये थोड़ी कि आप किसी के खिलाफ, वो मच्छरों के खिलाफ कर रहे हैं. तो कोई भी मार्च किसी के खिलाफ नहीं होती, वो अवेयरनेस जनरेट करने के लिए होती है. तो अगर कोई भी मेंस मार्च कल होती है तो वो ह्यूमन राइट या फिर ट्रांसजेंडर राइट्स मार्च होती है. जेंडर आइडेंटिटी के जिन लोगों को इश्यूज हैं वो अपनी मार्च करते हैं. सो दैट मीन्स कि वो लोगों में ये अवेयरनेस डेवलप करना चाह रहे हैं कि ये एक इशू है जो लुक्ड यू नो लुक्ड इनटू नहीं है. ये इशू है जिसको हमें ज़्यादा जो है वो और से देखना है. सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय माय सिस्टर जो कि फेमिनिज्म के बड़ी अगेंस्ट है एंड शी सेज कि ह्यूमनिज्म होना चाहिए, विच इज कम्प्लीटली राइट. आई मीन इसमें कोई गलत नहीं है. बट फेमिनिज्म इज ह्यूमनिज्म विच इज के एक जेंडर के राइट्स काफ़ी देर से बेटर देन अदर्स हैं लेकिन दूसरे जेंडर के राइट्स को भी तवज्जो देनी चाहिए. तो आप स्पेशली वो टर्म क्यों यूज़ करते हैं, वो इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आप जनरलाइज कर देंगे तो इश्यू हाईलाइट नहीं होगा. तो इस वजह से आई एम ऑल फॉर दिस मार्च. और बहुत से लोग कह रहे हैं अच्छा आप लोग जाते नहीं हैं सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर्स बने रहते हैं.
तो कीबोर्ड या सोशल मीडिया के ऊपर लिखना, ब्लॉग के ऊपर बात करना, इसके ऊपर ये इन इट सेल्फ एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि आप डिस्कोर्स जनरेट कर रहे होते हैं, आप एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे होते हैं, एक थॉट क्रिएट कर रहे होते हैं लोगों के अंदर, जिससे ग्रेजुअली जो है वो एक अवेयरनेस आती है. तो हाँ, ये जो स्टूपिड चीज़ें कि आप कमेंट में लड़ें जाके लोगों से, गालियां दें, ये कोई कोई किसी किस्म की भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. लेकिन अब अगर आप एक अपना पूरा थॉट प्रोसेस बता रहे हैं ब्लॉग्स के ऊपर, तो आई थिंक इट इज़ अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड आई वुड रियली कमेंड फीमेल ब्लॉगर्स जो इस तरह से कर रही हैं. अच्छा, आई नीड वाटर, तो मैं पानी पी लूँ. अच्छा, इन क्वेश्चंस में नहीं, लेकिन मुझसे किसी ने पूछा था कि आपका इसके ऊपर क्या व्यूज हैं जो मारवी सरमद और खलील रहमान कमर के बीच में हुआ. तो आई मीन इसके ऊपर कोई भी एजुकेटेड इंसान हो और वेल अवेयर हो ऑफ डिसेंसी ऑफ गुड बिहेवियर, उसका स्टैंड एक ही होगा, चाहे वो इन फेवर ऑफ सम राइट्स है या नहीं है, इन फेवर ऑफ अ सर्टन वे ऑफ राइट्स है या नहीं है, कि गाली गलोच, बदतमीजी, अपने आर्ग्यूमेंट को कन्वे करने के लिए अगले को इंटिमिडेट करना, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ना सुनना, ये एक जहालत है. और उसके ऊपर आई डोंट थिंक सो मेरा ओपिनियन या किसी का भी ओपिनियन शुड बी डिफरेंट. एज आई सेड कि ये एक, अच्छा किसी ने कहा कि दूसरे इंसान को इसमें देखें, अच्छा खलील रहमान कमर ने तो जो भी कहा, लुक एट द अदर पर्सन, उनके एजेंडा देखें, वट एवर, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न इन दिस सिचुएशन. कि अगर आप ये नहीं कह सकते क्योंकि फलां रिश्वत खो रहा है या फलां का पैसा राइट वे से नहीं आ रहा तो उसके घर में चोरी या डाका अलाउ है, आपके पास प्रॉपर लॉ अवेलेबल है, आपको अगर शक है किसी के ऊपर करप्शन का, चोरी, रॉन्ग वे ऑफ अर्निंग का, आप लॉ के पास जाएं, उस बंदे को रिपोर्ट करें और एक प्रोसीजर फॉलो करें. यानी आपको तो जस्टिस का हक नहीं है. इसी तरह से अगर आपको एक पर्सन के एजेंडा के साथ, उसके व्यू पॉइंट के साथ डिसएग्रीमेंट है, आइदर यू नीड टू बी दैट ब्रेव कि आप जाएं उस चीज को परसू करें और उसमें इतनी एफर्ट डालें, बजाय इसके कि एक गली के गुंडों की तरह, नो मैटर कि आपकी इतनी प्रेजेंस है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर, आप गली के गुंडों की तरह जो है गंदी गंदी सी गालियां देना शुरू कर दें. तो आई डोंट हैव एनी टू ओपिनियंस ऑन दैट. इट डजेंट मैटर कि हु द अदर पर्सन इज. जैसे मैंने कहा कि किसी की रिश्वतखोरी या कोई, आपको पता चलता है कि फलां जगह पे एक इनअप्रोप्रिएट फीमेल पर्सन रहती हैं, तो आपका राइट है कि आप उसके घर में फलांग के चले जाएं. नो, यू कुड बी रॉन्ग, दैट अदर पर्सन इज रॉन्ग और नॉट, दैट इज होल अनदर केस. उस पर्सन को परसू करना चाहिए, आपको लॉ में जाना चाहिए, बट दैट डजेंट गिव यू अ राइट कि आप गाली गलोच करें और इस तरह से. तो जो लोग इसको इस बेसिस के ऊपर जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो अदर पर्सन ऐसा है वैसा है, उसकी तो मुझे, ये मेरी समझ से बाहर है. तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दें, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह से चीजें, इतना इनटॉलरेंट है ये सारा बिहेवियर. यानी आप किसी के बातों से एग्री करते हैं, यू हैव कंप्लीट राइट टू डिसएग्री, लेकिन उसके ऊपर कल को ये शुरू हो जाएगा कि कोई उठा के कुछ मारना शुरू कर दे. इतने हमारे यहाँ जो है किलिंग्स ऐसी होना शुरू हो गई हैं सिर्फ इसलिए कि आप अग्री नहीं करते कि किसी को कैसा पहनना चाहिए, किसी को कैसा बिलीव करना चाहिए. हर किसी के अपने ओपिनियंस हैं एंड पीपल आर एंटाइटल टू देयर ओपिनियंस अनलेस के वो आपको हार्म कर रहे हो. और अगर आपको हार्म भी कर रहे हैं तो फिर आपको एक राइट वे लेना है उसको एड्रेस करने के लिए, नॉट कि आप कानून को या तहजीब को अपने हाथ में ले लें. और जिस सैड पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, जिन राइटर साहब की, उनके तो ड्रामास में वैसे भी आप एक स्ट्रीक देखिएगा, जितने अभी तक उनके ड्रामास आए हैं, दिस इज अ मुकबैंग, तो मुझे खाना भी है, तो लेट मी ईट अ लिटिल बिट. हाँ, तो मैं आपको इन राइटर का कह रही थी, इनके जितने भी ड्रामास आए हैं उसमें एक स्ट्रीक है, आप देखिएगा कि जो भी बोल्ड, ब्रेव, स्ट्रांग लड़की होगी, ये उसको उसकी एंडिंग दिखाएंगे कि उसको एक लेसन मिला अपनी बोल्डनेस, अपनी करेजियसनेस होने पे. यानी अगर इफ शी इज अ पर्सन हु वांट्स मोर, इफ शी इज अ पर्सन हु
who has some like goals for her life. तो उसको अभी ये इनका पहले दो साल पहले आई डोंट नो कितने साल पहले ड्रामा था जरा याद कर जिसमें सना जावेद थी उसमें भी ये दिखाते हैं दैट शी वांट्स टू रीच टू अ सर्टेन पोजीशन तो उसको इतना इतना उसको बुरा दिखा दिया उसको इतना नेगेटिव दिखा दिया तो ये एक बड़ी बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज है हमारे राइटर्स के साथ क्योंकि विमेन इशूज मर्द राइटर्स दिख रहे हैं जो कि प्रॉब्लमैटिक है एज अगेन आई वुड से आप डिसएग्री कर सकते हैं मुझसे लेकिन अगेन गाली देना ये स्टूपिडिटी होगी तो व्हाट कैन आई से जस्ट टॉलरेंट हूं अपने बिहेवियर से प्लीज अग्री डिसएग्री जरूर कर ओके लेट्स मूव फ्रॉम दिस डिस्कशन क्योंकि पहले ही आई थिंक इतना ज्यादा इसके ऊपर डार्क किस्म का डिबेट चल रही है दैट यू नो आई डोंट वांट के हम उसको लिंगर ऑन करें अच्छा इसके ऊपर चलिए वन लास्ट थिंग आई वुड वांट टू टॉक अबाउट फिर मूव ऑन करते कि बहुत से लोग कह रहे कि इतनी जिस चीज़ पे कंट्रोवर्सी उसे करना ही नहीं चाहिए मार्च ही नहीं करनी चाहिए कंट्रोवर्सी जो है वो एक लिहाज से बुरी चीज़ नहीं है क्यों चीज़ बुरी चीज़ नहीं है ये रिफ्लेक्ट करती है कि सोसाइटीज डिबेट करने के लिए तैयार हैं जो ये डिबेट हो रही है ये इतनी बुरी बात नहीं है ये बल्कि अच्छी बात है इसका मतलब होता है कि अच्छा सोसाइटीज में डिफरेंट ओपिनियंस के ऊपर एक एक जो है वो शुरू हो गया इस चीज़ के ऊपर देखना कि अच्छा चीज़ों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं और हम एक स्टेगनेंट सोसाइटी नहीं है तो इसको पॉजिटिवली भी देखें सिर्फ नेगेटिवली ना देखें अच्छा किसी और ने मुझसे पूछा कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट टीवी सीरीज कौन सी है सो एक टीवी सीरीज है जो आई थिंक 2017 में या 2018 में आई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर द एंड ऑफ द एफिंग वर्ल्ड वो मेरी फेवरेट टीवी सीरीज है इसलिए कि वो बहुत ही उसके डायलॉग्स बहुत स्ट्रांग है बड़ी यूनिक सी स्टोरी है मार्वलस मिसेस माइजल अगेन वन ऑफ माई फेवरेट टीवी सीरीज है अच्छा अभी मेरी बहन ने पूछा है कि व्हाट इज माय गिल्टी प्लेयर फूड तो एज यू कैन सी पास्ता एनी काइंड ऑफ पास्ता स्पगेटीज नूडल्स ये जो इस फैमिली की चीज़ें हैं वे माय लाइक मोस्ट फेवरेट थिंग और महीने के 30 दिनों में से मैं आई थिंक 29 डेज ये चीज़ें खाती हूँ आई नो दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ बट आई मीन वी जस्ट ओनली लिव वंस अच्छा फिर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो अच्छा एक मेरी कजन ने पूछा है अच्छा इसका एक कॉन्टेस्ट है इस क्वेश्चन का उसने कहा है हाउ कम यू अपीयर विदाउट मेकअप ऑन यूट्यूब वीडियोस इसका कॉन्टेस्ट ये है कि जब मैं बहुत देर तक मेरी लाइफ में मैं बहुत ज्यादा अपीयरेंस कॉन्शियस थी और मैं बहुत ज्यादा यू नो आई वुड पुट मेकअप व्हेयरएवर आई गो और अगर मैं किसी इवेंट पे जा रही हूँ और अगर मैंने मेकअप किया हुआ है तो आई वुड नॉट इवन ईट क्योंकि मुझे लगता था अच्छे से मेरी अपेयरेंस खराब हो जाएगी तो उसने कहा हाउ कम यू अपीयर विदाउट मेकअप ऑन वीडियोस तो आई डोंट केयर अबाउट अपेयरेंस एनी मोर एट ऑल बस मुझे होता है कि आप साफ सुथरे हों हाइजीनिकली यू शुड बी परफेक्ट बाकी इफ पीपल डोंट लाइक मी द वे आई लुक आई डोंट केयर मेरे वर्क प्लेस पर मुझे कभी भी किसी ने विदाउट मेकअप नहीं देखा but on my videos I look very very you know raw and I mean I'm happy the way I look I don't care okay I'm just trying to see if koi aur aise interesting questions hai kyunki kuch bahut silly questions hai acha एक मेरे किसी ने कजन या सिस्टर ने पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू डोंट लाइक तो मुझे नेगेटिव लोग बिल्कुल नहीं अच्छे लगते जिन लोगों के अंदर पॉजिटिव वाइब्स नहीं होती या जो लोगों के लिए हैप्पीनेस का बायस नहीं होते मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं अच्छे लगते और एक और टाइप के लोग मुझे बहुत बुरे लगते
जो those people who don't walk the talk, यानी जो आप कहते हैं you don't mean it, यानी बहुत से लोग होंगे वो बड़े rights पे believe करेंगे या honesty पे believe करेंगे and then they would act exactly opposite to it. तो मुझे ये जो hypocrisy है ये बहुत बुरी लगती है. और what kind of people you like, तो मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जिनका character strong हो, जिनकी अपनी strong values हो. वो बहुत liberal values भी हो सकती हैं, वो बहुत conservative values भी हो सकती हैं, but I like people जिनका एक vision towards life हो. वो ऐसे ही नहीं जीते जा रहे, अच्छा ऐसे दोस्त मिल गए जो बहुत ही liberal हैं तो liberal हो गए, ऐसे दोस्त मिल गए जो बहुत ही religious हैं तो बहुत religious हो गए. यानी inside your head आप, मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जिन्होंने जो जिंदगी के बारे में सोचते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या वैल्यूज हैं जिनके ऊपर वो जीना चाहते हैं. मतलब ऐसे रैंडमली लोगों को देख के नहीं, दे नीड टू हैव लाइक एन अवेकनिंग अबाउट देयर ओन लाइफ. आई होप आई डू मेक सम सेंस, बट आई मीन आई होप इट मेक सम सेंस. अच्छा एक मेरी कजन है like just like me, she is a makeup enthusiast. तो उसने पूछा है what is your favorite beauty product. तो favorite beauty product मेरा होगा concealer. मुझे concealer बहुत पसंद है क्योंकि concealer से आप थोड़ी सी जो आपकी imperfections होती हैं जिनको आप imperfections समझ सकते हैं, you just hide them and then you can be good to go. तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है concealer. और फिर उसी के नीचे एक और क्वेश्चन है कि विच इज योर फेवरेट मेकअप ब्रांड. तो मैं ज़्यादातर जो है वो ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स, ज़्यादातर नहीं हमेशा ही ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ और उसमें मुझे मेबेलिन सबसे फेवरेट है. मुझे मेबेलिन की ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगती है. तो इवन मुझे मैक से ज़्यादा अच्छा लगता है. आई नो सम पीपल वुड लव, लेकिन फॉर सम रीज़न मुझे मेबेलिन बहुत पसंद है. और स्किन केयर में किसी ने पूछा है कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, तो स्किन केयर में मुझे डर्मा रोलर आजकल बहुत पसंद है और मुझे शीट मास्क जितने भी होते हैं बहुत पसंद है, बिकॉज दे काइंड ऑफ गिव यू अ वेरी रिफ्रेशिंग लुक, तो मुझे बहुत पसंद है. अच्छा शुरू में कहती हूँ इतना टेस्टी नहीं बना, बट एज द टाइम हैज पास्ड आई फील कि सारा सॉस इसके अंदर चला गया और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. अच्छा और ये दिस एंड दैट क्वेश्चन भी पूछे हैं मुझसे मेरी अगेन सिबलिंग्स और कजन्स ने. दिस एंड दैट क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आप ये चूज करेंगे, आपके पास दो चॉइसेस हो तो आप कौन सी चीज चूज करेंगे. तो वो एक लिस्ट है, वो भी वी कैन डिस्कस. अच्छा फर्स्ट वन है ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूबिंग. तो मैंने आपको पहले आंसर कर दिया कि ब्लॉगिंग, आई रियली रियली लव ब्लॉगिंग. सेकंड है आइसक्रीम वर्सेस गोलगप्पे, आई मीन गोलगप्पे ऑलवेज, मुझे गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं. एंड देन सॉरी किसी ने पूछा दीज डेज PSL इज हैपनिंग और मैं PSL बहुत लाइक रेगुलरली रिलीजियसली फॉलो कर रही हूँ. मुल्तान सुल्तान वर्सेस ग्लैडिएटर, मुल्तान सुल्तान, आई रियली वांट मुल्तान सुल्तान टू विन. और एक मुझे ग्लैडिएटर्स में आई थिंक एक प्लेयर है, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, वो जो एक फीमेल न्यूजीलैंडर आई थिंक होस्ट है इस शो के अंदर, उसका नाम, उसका भी मुझे नाम भूल गया, आई थिंक उसका उसका वो हस्बैंड है. सो आई रियली लाइक हिज पर्सनैलिटी, बहुत ही कूल उसकी आउटलुक है. सो मुल्तान सुल्तान वर्सेस ग्लैडिएटर में से मुझे मुल्तान सुल्तान, आई एम प्रिटी श्योर कि PSL इस दफा मुल्तान सुल्तान जीतेगी, बट लेट्स सी.
डे टाइम आपको ज्यादा अच्छा लगता है किसी ने पूछा या नाइट टाइम? सो आई लाइक सनशाइन अ लॉट, लेकिन मुझे नाइट पसंद है क्योंकि उस टाइम खामोशी बहुत होती है एंड देन यू कैन बी विद योर ओन सेल्फ. सो थोड़े थोड़े मुझे दोनों ही पसंद है. आपके किसी ने पूछा हील्स वर्सेस फ्लैट्स? ऑलवेज फ्लैट्स. आई लाइक सीइंग अदर पीपल, अदर गर्ल्स विद फ्लैट्स, लेकिन अदर गर्ल्स विद हील्स, लेकिन मुझे खुद हील्स पहनना बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है एंड आई अवॉइड वेयरिंग हील्स. एंड देन किसी ने पूछा समर वर्सेस विंटर्स, तो मुझे बहुत सॉरी बहुत ज़्यादा जो गर्मी होती है जैसे फैसलाबाद में होती है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद ऑब्वियसली क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है, लेकिन मुझे समर्स, आई एम अ समर्स पर्सन और यू कैन से आई एम अ सन पर्सन. मुझे सनी डे अच्छा लगता है, मुझे रेनी डेज बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. तो आउट ऑफ समर एंड विंटर आई वुड से आई लाइक समर्स. अच्छा किसी ने पूछा मेकअप वर्सेस ब्रेकफास्ट, ये एक बहुत ही जोक है मेरे घर घर के अंदर कि सुबह सुबह जब मैं लेट हो जाती हूँ तो मैं हमेशा किसी से पूछ रही होती हूँ या खुद से क्वेश्चन कर रही होती हूँ कि अच्छा मुझे मेकअप करना चाहिए मुझे नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि दोनों मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ें हैं. ना ही मैं मेकअप स्किप करना चाहती हूँ ना ही ब्रेकफास्ट. तो बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड मेकअप आई वुड से मेकअप, क्योंकि नाश्ता आप यूनिवर्सिटी यानी वर्क प्लेस पे जाके भी कर सकते हैं. अच्छा दैट्स इट, बस सही यही सारा कुछ है जो पूछा है. लेकिन अगर आप कोई मुझसे पूछना चाहते हैं क्वेश्चंस तो वो इस वीडियो के नीचे जरूर पूछेगा. और अगर आपको ये मुकबैंग अच्छा लगा, गाइस आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट इफ इट्स मुकबैंग और मुकबांग, लेकिन खैर अगर आपको अच्छा लगा इस पे व्यूज ज़्यादा आए तो फिर मैं एक और मुकबैंग करूँगी. और आप इस वीडियो के नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो मैं नेक्स्ट वीडियो करूँगी उसमें मैं आंसर भी करूँगी. ओके गाइस सो दैट वाज इट फॉर टुडे. ऑलमोस्ट मैंने अपने रामेन नूडल्स भी ख़त्म कर लिए और जो एक सिंपल वाइट सॉस वाला पास्ता था वो भी, और ये थोड़ा सा रह गया बट आई थिंक आई एम सुपर फुल. मैं थोड़े से ये ऑलमंड ज़रूर खाऊंगी बिकॉज इट ऑल इज वेरी इट वॉल ऑल वॉज वेरी स्पाइसी. तो खैर आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @lifestylebymunaza. सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय.